वेलकम टू मनीष गुरु। आज है 16 दिसंबर। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। फर्स्ट करंट अफेयर है, इसरो के सिवन को सूर्यभूषण इंटेल अवार्ड दिया गया है। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन को सूर्यदत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा सूर्यभूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। सूर्यदत्त के संस्थापक अध्यक्ष कार्डिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने इसरो के बेंगलोर मुख्यालय का दौरा किया और के सिवन को सम्मानित किया। कार्डिया ने सूर्यदत्त के 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर सूर्यदत्त इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के उद्घाटन समारोह के लिए सिवन को आमंत्रित किया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर यश महमूद का निधन हो गया। पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर शाहिद महमूद का दिसंबर 2020 में निधन हो गया। उन्होंने प्रथम श्रेणी पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा था। बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज और मध्यम गति के गेंदबाज शाहिद महमूद ने 1969 में कराची वाइट्स के लिए खेलते हुए उपलब्धि हासिल की थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 16 दिसंबर को इस बार मनाया गया विजय दिवस। विजय दिवस भारत में हर वर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन भारतीय पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत के साथ साथ 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र करने के का स्मरण करते हैं। विजय दिवस इतिहास 1971 में शुरू हुआ जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और लगभग 13 दिनों तक चला था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हिंद केसरी पहलवान एस खंचनाले का निधन हो गया है। राष्ट्रीय और आंतरिक स्तर पर कयाती प्राप्त भारत के पहले हिंद केसरी श्रीपति खंचनाले का दिसंबर 2020 में निधन हो गया। 3 मई 1959 को दिल्ली में पहलवान रुस्तम ए पंजाब बट्टा सिंह को हराकर वह हिंद केसरी बन गए। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जबकि कर्नाटक सरकार ने उन्हें कर्नाटक भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, जस्टिस हिमा कोहली बनी तेलंगाना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वे हुए वर्तमान में दिल्ली हाईकोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें 2006 में दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 2007 में उन्होंने स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वे 2017 में पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय कोलकाता की जनरल काउंसिल की सदस्य बनी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, जे एस मुरलीधर बने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम ने न्यायमूर्ति एस मुरलीधर को उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। वर्तमान में न्यायमूर्ति मुरलीधर पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। उन्होंने 6 मार्च 2020 को पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पद ग्रहण किया था। उन्हें शुरू में मई 2006 में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।